Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Indian economy contracting by 7.3% in fiscal year 2020-21. And this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखते हैं सबसे पहले करंट न्यूज़ क्या है. एज आई सेड अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज गवर्नमेंट एस्टिमेट्स इंडियन इकोनॉमी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड. इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है दैट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाई 7.3%. तो मतलब इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि 2019-20 में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में बने थे उनकी जो भी वैल्यू थी मॉनेटरी वैल्यू उससे लगभग 7.3% कम के गुड्स एंड सर्विसेज हमने 2020-21 में बनाए हैं. ये और ये जो ग्रोथ रेट है नेगेटिव ग्रोथ रेट -7.3% का हमारी इकोनॉमी का इन 2020-21 दिस इज इंडियाज लोवेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट सिंस इंडिपेंडेंस. यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट का परसेंटेज. ये डाटा 1961 से है बट ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो लोवेस्ट ग्रोथ रेट इसके पहले किसी एक साल में अगर रजिस्टर किया गया था तो दैट वॉज 1979 और उस टाइम का ग्रोथ रेट था -5.23%. और इस साल इतना निगेटिव में ग्रोथ रेट क्यों रहा था ये तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि उस टाइम में पॉलिटिकल बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे. हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई थी. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा. फिर चौधरी चरण सिंह बने और फिर एक साल बाद इंदिरा गांधी आ गई. तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण ये 1979 में ये -5.23% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया गया था. लेकिन उसके बाद इस पर्टिकुलर ईयर 2021 में हमारा ग्रोथ रेट इससे भी नीचे गया है एंड दैट हैज़ बिन -7.3%. तो अगर इसकी एनालिसिस की जाए समझने की कोशिश की जाए कि ये इतना ख़राब ग्रोथ रेट क्यों रहा है तो काफ़ी ऑब्वियस सा रीज़न हमारे सामने आएगा है और वो है पैंडेमिक जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ कोविड-19 पैंडेमिक और उस कारण से पूरे देश भर में बहुत फोर्सफुल तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था लास्ट ईयर. लास्ट ईयर वाला लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिंजेंट था और इस कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बहुत इंपैक्ट पड़ा और यही कारण है कि 2020-21 में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है. लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम और ज़्यादा क्लोजली एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन करनी शुरू कर गई थी इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्टेड. तो ये पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले ही हमारी इकोनॉमी धीरे से और डिक्लाइनिंग साइड में मूव करना शुरू कर दिया था इकोनॉमी ने. तो ज़रा समझते हैं. तो आगे के एनालिसिस समझने से पहले एक बार ब्रीफली मैं आपको रिवाइज करा दूँ. आप सबने अपने बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में जरूर पढ़ रखा होगा कि कोई भी इकोनॉमी इन जनरल उसके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो सरकारें होती हैं या फिर जो उनके सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो उनकी मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसमें वो यही चाहते हैं कि एक स्टेबल तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो करे. जैसे हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी 8% के रेट से ग्रो करे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. कई दफ़ा ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है और ये ग्रोथ रेट ज़्यादा होने में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके साथ साथ हाई इन्फ्लेशन भी रहता है जो लॉन्ग रन में हमारे ग्रोथ रेट को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. तो नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस लाइन के अलॉन्ग चले लेकिन कभी कभार हमारी इकोनॉमी उससे ज़्यादा एक्सपेंड करती है पीक आती है फिर रिसेशन आता है फिर ट्रफ आता है फिर एक्सपेंशन पीक रिसेशन. तो ये एक ट्रेंड है जो किसी भी इकोनॉमी में देखा जा सकता है. ये आपने बेसिक क्लासेज में जरूर पढ़ रखा होगा. मैंने भी अपने इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाया था. जिन बच्चों ने भी मुझसे पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स आपको याद आ रहा होगा ये कर्व मैंने दिखाया था. ये कर्व अगर रियल सेंस में देखा जाए तो इतना स्मूथ तो होगा नहीं. ये इंडियन इकोनॉमी का ये कर्व है. कभी आप देख सकते हैं एक्सपेंशन का कभी रिसेशन का. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए ये जो 1997 से लेकर के आप देखिए ये 99 तक का ये एक्सपेंशन वाला टाइम है फिर इसके बाद रिसेशन वाला टाइम है. तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि कब कब डाउन साइकिल आया. जैसे 2000 से लेकर के 2001 तक ये डाउन साइकिल आया फिर 2001 से लेकर के 2003 तक अप साइकिल आया. तो इसी को कहते हैं एक्सपेंशन. डाउन साइकिल को कहेंगे हम लोग रिसेशन. तो आप देखें अगर तो आपको पता चलेगा कि ये जो फेज था 2004-05 से लेकर के 2009 तक का उस टाइम इंडिया ने काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से हाई ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है समवेयर क्लोज टू 7-8%. लेकिन अगर हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में इंडियन इकोनॉमी
डाउन साइकिल में ही रही है। वो बात अलग है कि 2020 में तो जाकर के हम पूरी तरह से निगेटिव जोन में चले गए -7.3%, लेकिन उसके पहले भी अगर बात की जाए, इस जोन में बात की जाए, तो हम पिछले 4-5 सालों से ही डाउन स्लाइड में हैं। तो डाउनवर्ड ट्रेंड कुड बी सीन इन लास्ट 4-5 ईयर्स इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि बस COVID-19 के बाद से स्लो डाउन स्टार्ट हुआ है। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड के पीछे जो मेन दो कारण बताए जा रहे हैं वो है डीमोनेटाइजेशन, जो 2016 नवंबर में लाया गया, और फिर GST रिफॉर्म जो 2017 में लाया गया। देखिए, कोई भी नई चीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं इकोनॉमी में, तो फिर उसका निगेटिव इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पर जरूर पड़ता है। इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वैक्सीन ही लिया हो, तो वैक्सीन लेने के बाद कुछ दिन तक तो बुखार आता ही है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। वही बात यहाँ भी है, कोई भी अगर नई चीज़ कराई जाएगी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के लिए, तो दैट विल हैव सम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, और ये शॉर्ट टर्म शॉक्स लगे इकोनॉमी को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये दो जो शॉर्ट टर्म शॉक्स थे, डीमोनेटाइजेशन और GST, दे हैपेंड बैक टू बैक, बहुत जल्दी जल्दी हुए, और उन दोनों से हमारी इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर ही रही थी कि फिर COVID-19 पैंडेमिक आ गया, एंड दैट इज़ वाई आर इकोनॉमी इज़ नाउ इन अ वेरी डिफिकल्ट फेज। अब देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी वैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड में थी पिछले 4-5 सालों से, आप देखिए नीचे की तरफ ट्रेंड में थी, और इस साल जा करके हम यहाँ पहुँच गए -7.3। अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोविड पैंडेमिक अब ओवर हो गया धीरे धीरे, बाय दिसंबर वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, एंड वी वर होपिंग कि अब इंडियन इकोनॉमी एक शार्प इंक्रीज, एक शार्प रिकवरी रजिस्टर करेगी, और इसी को कहा जाता है वी शेप्ड रिकवरी। ये वी शेप्ड रिकवरी इस बार बहुत सारे आर्टिकल्स में आया है, तो मुझे लगता है इस पे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि चलो हम -7.3 तक चले गए, लेकिन नाउ वी विल रजिस्टर ए शार्प रिकवरी ऑफ समवेयर 8% ग्रोथ रेट, एंड दिस विल बी नोन एज वी शेप्ड रिकवरी। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वी शेप रिकवरी क्यों कहेंगे उसको। अगर कोई इकोनॉमी जल्दी से गिरती है किसी कारण से, फिर वापस से उतनी ही रफ्तार से अगर रिकवर करे, तो उसको वी शेप कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का जो ग्राफ होगा वो वी शेप में बन जाएगा। और उम्मीद की जा रही थी कि वी विल बी एबल टू रजिस्टर वी शेप रिकवरी, लेकिन सेकेंड वेव जो COVID-19 का हमारे देश में स्टार्ट हुआ अप्रैल एंड से, उस कारण से जो वी शेप रिकवरी के भी जो चांसेज हैं उसमें भी काफ़ी सारे डैम्स आ चुके हैं, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं। अब देखना होगा कि हम कितना ग्रोथ रजिस्टर कर पाते हैं और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी अब रिकवर करती है। एक और रिकवरी होती है, आप कहिए कि स्टैग्नेशन होता है, उसको कहते हैं एल शेप इकोनॉमी। तो ये नीचे गया और फिर ऐसे ही रह जाए, नीचे ही रह जाए, तो उसको कहते हैं एल शेप। और कई सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अब बिकॉज ऑफ सेकेंड कोविड वेव, आवर इकोनॉमी विल सी एन एल शेप स्ट्रक्चर, while others are saying that our economy will see U-shape structure। तो U-shape कैसा होगा कि नीचे जाएगा, कुछ दिन के स्टैगनेट रहेगा, बाद में ऊपर आएगा। तो देखना है V-shape होता है, L-shape होता है, या U-shape होता है। अब अगर ओवरऑल GDP पर कैपिटा की बात की जाए, तो उसमें भी आप डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में। देखिए, GDP पर कैपिटा तो आई होप आपको पता ही होगा, इट इज़ टोटल GDP डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, दैट इज़ नोन एज GDP पर कैपिटा। और GDP पर कैपिटा एक तरीके से बेहतर इंडिकेटर है एज़ कम्पेयर टू GDP। ओवरऑल GDP में तो कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन GDP पर कैपिटा से इतना जरूर पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन का स्टैंडर्ड क्या है किसी इकोनॉमी में। वैसे वो भी पूरी तरह से इंडिकेटर नहीं है एक एवरेज आदमी के लाइफस्टाइल का, उससे बेहतर इंडिकेटर है एक एवरेज आदमी के लाइफस्टाइल का HDI इंडेक्स। बट फिर भी GDP पर कैपिटा, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं और सब मिलकर के 1 करोड़ रुपये कमाते हैं, तो उस परिवार की GDP हो गई 1 करोड़ रुपये, और हर एक इंसान ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपये कमाता है, तो उसमें भी लेकिन इंटरनल डिफ्रेंसिएशन तो पता नहीं चलता है। हो सकता है कि एक ही इंसान 1 करोड़ कमाता हो, बाकी सब 9 लोग जो हैं वो बेरोजगार हों, तो वो भी इंटरनल डिफ्रेंसिएशन पता नहीं चलता है GDP पर कैपिटा में भी, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें GDP पर कैपिटा विल बी 10 लाख, राइट और इसे लगेगा कि हर इंसान 10-10 लाख कमा रहा है, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट एटलीस्ट इट शोज कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है हमारे देश में, और हमारे देश का GDP पर कैपिटा एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज, कॉन्स्टेंट प्राइसेज आई होप आपको पता होगा, बेस ईयर का प्राइस ले लिया जाए तो GDP एट पर कैपिटा एट कॉन्स्टेंट प्राइसेज इज ₹99,700। मतलब ऑन एन एवरेज साल में एक इंसान, साल भर में एक इंसान हमारे देश का 99,700 रुपये कमाता है एक साल में, या दैट इज एवरेज इनकम ऑफ अ कॉमन मैन इन आर कंट्री।
और अगर इस ग्राफ को आप देखें, ये रेड कलर से जो ग्राफ है ये जीडीपी पर कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ग्राफ में भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। और अब हमारे देश का जो जीडीपी का पर कैपिटा है वो हमारे 2016-17 में जो लेवल था लगभग उसके बराबर पहुंच चुका है। ये देखिए जीडीपी पर कैपिटा का लेवल जो है 2016-17 में था मोर और लेस वहाँ पर हमारा पहुँच चुका है। तो जीडीपी पर कैपिटा में भी डिक्लाइन देखा जा सकता है, और ऐसा नहीं कि कोविड-19 के टाइम में ही शुरू हुआ है, कोविड-19 से पहले ही ये डिक्लाइन शुरू हो गया था। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से। और हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने भी हमें इंडिया को ओवरटेक कर लिया था एज फार एज जीडीपी पर कैपिटा इज कंसर्न। उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट कंजम्पशन। तो देखिए आई होप आप ये बात सब समझते होंगे कि इकोनॉमी के अंदर तो दो ही एस्पेक्ट होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड मतलब कंजम्पशन, हम जो चीज़ भी खरीदते हैं दैट इज डिमांड एस्पेक्ट, यानी कि उसको हम खरीद करके कंज्यूम करते हैं। तो डिमांड या कंजम्पशन मोर ऑर लेस एक ही बात है। कंजम्पशन भी दो तरीके की होती है, प्राइवेट कंजम्पशन एंड पब्लिक कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन जो हम आप खरीदते हैं इन आवर प्राइवेट कैपेसिटी, वाइल पब्लिक कंजम्पशन होगा जो सरकारें खरीदती हैं। सरकार आपको पता है कि अलग अलग प्रोक्योरमेंट करेगी, मान लीजिए क्रूड ऑयल खरीदेगी या रोड बनाने के लिए सीमेंट खरीदेगी। तो एक होता है पब्लिक कंजम्पशन, एक होता है प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन जो एक आम आदमी कंट्रीब्यूट करता है या एक आम आदमी जितना डिमांड करता है दैट इज़ प्राइवेट कंजम्पशन। और इन जनरल जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है वो किसी भी इकोनॉमी का बिगेस्ट ड्राइवर होता है, क्योंकि सरकार कितना खरीद लेगी, या करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वही तो खरीदेंगे, उनका प्राइवेट कंजम्पशन होगा तभी तो जाकर के डिमांड बढ़ेगा देश में। डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या सप्लाई बढ़ाएंगे, तब तो जाकर के इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। तो प्राइवेट कंजम्पशन इज नोन एज मेन और की ड्राइवर ऑफ एन इकोनॉमी। और अगर देखा जाए तो प्राइवेट डिमांड और प्राइवेट कंजम्पशन इज़ ओवरऑल 55% ऑफ आर जीडीपी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से हमने प्राइवेट कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रखा है, प्राइवेट कंजम्पशन की ग्राफ, उसमें भी डिक्लाइन देखा जा रहा है। और ये पैंडेमिक के टाइम में शुरू नहीं हुआ है, 2020-21 में शुरू नहीं हुआ है, 2019-20 में ही शुरू हो गया था। सो दैट इज़ द वरिंग साइन। ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बस पैंडेमिक के कारण सफ़र कर रही है, तो उस कारण से उम्मीद की जा सकती थी कि पैंडेमिक खत्म होगा जब भी, उसके बाद से इकोनॉमी विल शो अ शार्प राइज, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी ने वीक साइंस दिखाने शुरू कर दिए थे बिफोर पैंडेमिक ऑल्सो। आफ्टर पैंडेमिक इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ क्रम्बल्ड, लेकिन बिफोर पैंडेमिक ऑल्सो इट हैज़ बीन स्टार्टिंग, इट हैज़ बीन शोइंग सम वीक साइन। दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस आर्टिकल, द रिसेंट शार्प डिक्लाइन इज ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया। दैट इज नो डाउट -7.3%, ये शार्प डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। लेकिन इंडियन इकोनॉमी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू मूव थ्रू अ वीक फेज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द पैंडेमिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about three child policy of China, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. The ideas discussed here can be also useful for paper 1 essay. तो समझते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। चाइना आपको पता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, और इसने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1979 में ही एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। एक ऑर्डिनरी इंसानों को, ऑर्डिनरी मैरिड कपल को, दे वेर अलाउड टू हैव जस्ट वन चाइल्ड, अदरवाइज दूसरे चाइल्ड पर उनको फाइन देना होता था, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते थे, कई सारे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे। तो इस कारण से वन चाइल्ड पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट की गई चाइना के अंदर सिंस 1979, और इस कारण से काफ़ी हद तक उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर लिया। माना जाता है कि लगभग 40 करोड़ एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होती चाइना की अगर वो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के नहीं आते। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, पॉजिटिव देखते हैं। ऑफ कोर्स पॉजिटिव हैज़ बीन पॉपुलेशन कंट्रोल, काफ़ी हद तक उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। 40 करोड़ एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होता, और पॉपुलेशन कम होने के कारण इनकम पर कैपिटा हैज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि इनकम पर कैपिटा क्या होता है, ओवरऑल इनकम और जीडीपी ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन कम हुआ तो इनकम पर कैपिटा इंप्रूव हुआ है, तो दे हैव नाउ गॉट बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी निकल के आ रहे हैं अब धीरे धीरे वन चाइल्ड पॉलिसी के। जो सबसे बड़ा चैलेंज उसको कहते हैं चैलेंज ऑफ 4:2:1। धीरे धीरे जो यंग एज पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं।
मान लीजिए ये नाना नानी हैं, ये दादा दादी हैं, उनके बच्चे और फिर इनके एक बच्चा, तो सब जनरेशन में जब एक 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 बच्चे होंगे तो धीरे धीरे होगा क्या कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है या यंग पॉपुलेशन है वो ओवरऑल उनकी संख्या ज़्यादा होगी। इनको कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ओल्ड एज या यंग, जो 15 साल से कम उम्र के लोग हैं या 64 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, दे आर नोन एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट मतलब जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और ये होता है 16 ईयर से 64 ईयर्स तक, उसको कहा जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। और अगर वर्किंग पॉपुलेशन के तुलना में डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगे तो नेचुरली उस इकोनॉमी में क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा, जो चाइना के अंदर देखा जा रहा है। काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे और बस डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। दैट इज़ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज विद द नेम 4:2:1 प्रॉब्लम इन चाइना, दैट हैज़ स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। तो इस पॉलिसी के कारण बहुत सारे डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस आए हैं चाइना के अंदर। डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन मतलब, डेमोज मतलब होता है लोग और उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन, उनकी स्टडी। तो डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं चाइना के अंदर विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इसको हम लोग डेमोग्राफिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो 2018 में आप देखिए तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है चाइना की, आई होप ये ग्राफ आप समझ रहे हैं कि कितने परसेंट लोग, देखिए जैसे इसका मतलब वो 0 से 4 साल की उम्र में कितनी पॉपुलेशन उनकी है और वो पॉपुलेशन मेल है या फीमेल है। तो देखिए इस ग्राफ से ये पता चलता है कि 0 से 4 साल की उम्र में लगभग 3.1% पॉपुलेशन जो है वो मेल चाइल्ड है और 2.7% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल चाइल्ड है। ऐसे आप बढ़ते जाइए तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बल्ज है वो यहाँ पर है, यानी कि अभी तो फिर भी चाइना के अंदर 60-64 वाले पॉपुलेशन एक ग्रुप से लेकर के 25-29 वाले ग्रुप में लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बल्ज देख रहे हैं, राइट। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि चूंकि चाइना अब डेवलप्ड कंट्री होता जा रहा है, मतलब रिलेटिवली इकोनॉमिकली बेटर ऑफ होता जा रहा है, तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो लोग अब ज़्यादा लंबे समय तक जियेंगे। और जब लोग जब ज़्यादा लंबे समय तक जिएंगे बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटी और वन चाइल्ड पॉलिसी काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू हो गई है, तो अब ये लोग जब बूढ़े होंगे तो इनके बच्चे तो कम होंगे, हर माँ बाप के दो लोगों में से एक बच्चा होगा बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। तो और ये लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, ये पॉपुलेशन ऊपर जाता जाएगा, तो बल्ज ऊपर आएगा। ये देखिए बल्ज ऊपर आएगा, 60 साल 70 साल 80 साल वाले लोग ज़्यादा होंगे जबकि जवान लोग कम होंगे, और जब जवान लोग कम होंगे तो ओवरऑल इट विल लीड टू अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो डिफाइंड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई वर्क एज पॉपुलेशन। और डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होने का मतलब है कि फिर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन उस देश का कम होने लगेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी सफ़र करेगा। इस ग्राफ की मदद से ये फ्यूचर एक्स्ट्रापोलेट करके ये ग्राफ बनाया गया कि 2050 तक चाइना में क्या हालत होगी, 2050 तक चाइना में ये ओल्ड एज पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस में बताया गया है कि अभी जो चाइना की पॉपुलेशन 65 ईयर से ऊपर वाली जो पॉपुलेशन दैट इज़ जस्ट 10%, लेकिन ये बढ़ करके लगभग 33% हो जाएगी बाय 2050, मतलब हर तीसरा इंसान वो 65 साल से ज़्यादा उम्र का होगा, एंड दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर चाइनीज़ इकोनॉमी। और यही सब सिनेरियो देखते हुए चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को चेंज किया 2016 में, और फिर वो लेकर के आए टू चाइल्ड पॉलिसी, बट परहैप्स दैट वॉज टू लेट, काफ़ी लेट हो चुका था। ये डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था चाइना का। क्यों? क्योंकि अभी भी जो वहाँ के कपल हैं दे आर नॉट प्रेफरिंग टू हैव टू चाइल्ड, अभी भी दे आर हैविंग वन चाइल्ड इट्सेल्फ। तो जो उनकी हाल फिलहाल में सेंसस हुई है 2020 में, उन्होंने सेंसस कराया है, उसमें उन्होंने देखा है कि टू चाइल्ड पॉलिसी लाने के बावजूद भी चाइना के अंदर पॉपुलेशन धीरे धीरे अब कम हो रही है। तो टू चाइल्ड पॉलिसी भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो यही कारण है कि अब वो थ्री चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं कि एक अब कपल तीन बच्चों तक हो सकते हैं उनके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी फाइन नहीं देना होगा, कोई सरकारी नौकरी में लिमिटेशंस नहीं होंगे। बट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर टू चाइल्ड पॉलिसी काम नहीं किया तो थ्री चाइल्ड पॉलिसी भी काम नहीं करेगा। चाइना को समझना होगा कि आखिर ये टू चाइल्ड या थ्री चाइल्ड पॉलिसी काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मेन फैक्टर बिहाइंड फ्यूअर चिल्ड्रेन, व्हाई कपल आर ट्राइंग टू हैव जस्ट वन और इवन नो चिल्ड्रेन, क्या कारण है, क्यों ये टू चाइल्ड पॉलिसी या थ्री चाइल्ड पॉलिसी काम नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन या सपोर्टिंग एजिंग पेरेंट्स। हो क्या रहा है कि बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उनको सपोर्ट भी तो करना है, उन पर भी तो थोड़े खर्चे हैं ना, तो उस कारण से अब लोगों के पास और इनकम उतना उस हिसाब से कम हो रहा है,
क्योंकि लाइफस्टाइल ओवरऑल लोगों का बढ़ता जा रहा है तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। चाइना अब धीरे धीरे मिडिल इनकम इकोनॉमी से रिच इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। इस कारण से वहाँ की चीज़ों में के दामों में इंक्रीज देखा जा सकता है, लोगों की लाइफस्टाइल में काफ़ी इंक्रीज देखा जा सकता है, चेंजेस देखे जा सकते हैं। और इस कारण से लोगों के पास उतने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और इस कारण से पीपल आर ट्राइंग टू हैव लेसर नंबर ऑफ किड्स। दे डिस्पाइट हैविंग टू चाइल्ड पॉलिसी और थ्री चाइल्ड पॉलिसी, पीपल आर प्रेफरिंग टू हैव वन चाइल्ड और नो चाइल्ड। उसके अलावा चाइना के अंदर देयर इज अ कल्चर ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वहाँ पर 14 घंटे 15 घंटे काम करने का कल्चर है। तो नेचुरली जिस देश में लंबे समय तक काम करने का कल्चर होगा वहाँ पे बच्चे तो कम ही पैदा होंगे। उसके अलावा कल्चरल फैक्टर, देखिए पिछले 40-50 सालों में इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा करके इम्प्लीमेंट करके कल्चर ही बदल दिया चाइना के लोगों का, सोचने का तरीका ही बदल दिया। नाउ पीपल प्रेफर, उनको दे आर नाउ मोर कम्फर्टेबल विथ वन चाइल्ड, इट हैज़ बिकम देयर पार्ट ऑफ द कल्चर बिकॉज फॉर पास्ट 3 to 4 decades दे हैव बिन फॉलोइंग दिस पॉलिसी। सो नाउ कपल हैव स्टार्टेड टू बिलीव दैट वन चाइल्ड इज इनफ, और यही कारण है कि डिस्पाइट हैविंग ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टू चाइल्ड दैट अलाउज कपल टू हैव टू चाइल्ड और थ्री चाइल्ड, पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव। आप ही सोचिए ना, जब कल्चर बदल जाता है, तो हमारे ही देश में आप देखिए आज से 10-20 साल पहले कल्चर था टू हैव 2 to 3 kids, नाउ दैट कल्चर इज चेंजिंग। तो कल्चरल जब चेंज आ जाएगा तो फिर पॉलिसी ला करके आप उसको बदल नहीं सकते। दैट प्रॉब्लम चाइना इज फेसिंग इन रिसेंट टाइम्स। अब चाइना में क्या हो रहा है वो जान करके हम क्या करेंगे? हमारे यूपीएससी में तो इंडिया पे सवाल आएगा, तो हम पे सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी से इंडिया को क्या सीखने की जरूरत है, व्हाट इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम चाइनाज पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी। मुझे ये लगता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जरा समझते हैं, अभी इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन के सिनेरियो को देखते हैं। तो देखिए नीति आयोग के एक रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन जो है दैट इज बोथ अ चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, मतलब इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि पॉपुलेशन एज एन अपॉर्चुनिटी या डेमोग्राफिक बर्डन या डिजास्टर, यानी कि पॉपुलेशन एज ए चैलेंज। अगर इसको ठीक से मैनेज किया गया पॉपुलेशन को तो इट इज ए डिविडेंड या न अपॉर्चुनिटी, और या अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो इट बिकम्स अ चैलेंज या डिजास्टर। तो पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? अगर ठीक से मैनेज किया गया तो डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा, देयर विल बी मोर वर्किंग पॉपुलेशन, और जब ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। पॉपुलेशन कैन बी एज ए चैलेंज अगर डिपेंडेंसी रेशियो बिगड़ जाए, डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा हो जाए, तो सारा खेल ये डिपेंडेंसी रेशियो का है। आंख बंद करके पॉपुलेशन कम करना जो चाइना ने किया, कि बस कुछ भी करो पॉपुलेशन को कम करो, दैट वॉज नॉट ए राइट स्ट्रैटेजी। इट शुड हैव केप्ट एन आई ऑन डिपेंडेंसी रेशियो, कि भाई डिपेंडेंसी रेशियो ना बढ़ जाए, वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या सिग्निफिकेंट बनी रहे। सो दिस इज वेयर चाइना वेंट रॉन्ग ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वन चाइल्ड पॉलिसी गलत नहीं थी, लेकिन जितने समय तक उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करके रखा 40 सालों तक, वो गलत हो गया, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इस कारण से चाइना के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट हैज डिक्लाइन टू 1.3। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक कपल को कितने बच्चे होते हैं। ऑन एन एवरेज एक कपल को चाइना में 1.3 बच्चे होते हैं। नेचुरली पॉपुलेशन चाइना की घटेगी धीरे धीरे, हर दो लोगों को एक कपल है, तो मतलब दो ही लोग तो हैं, एक मैन एंड ए वुमेन, दो लोगों को मिलकर के 1.3 बच्चे हो रहे हैं। तो नेचुरली चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो भी कम हो रही है, जबकि ओल्ड एज पॉपुलेशन, चूंकि वहाँ पर लाइफ स्टाइल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, कि व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हमें सबसे बड़ी बात ये सीखनी है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल तो करना है, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है, डिपेंडेंसी रेशियो का भी ध्यान रखना है। दैट इज़ वाई आवर फोकस शुड बी ऑन टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट शुड बी समवेयर क्लोज टू 2.1। वाई 2.1? बिकॉज 2.1 इज नोन एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर हर कपल ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा करे तो पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, जो पॉपुलेशन है मोर और लेस वही मेंटेन रहेगी। यहाँ पे एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सर अगर दो लोग हैं और दो लोग मिलकर के 2.1 बच्चे पहले कैसे पैदा कर सकते हैं ये बताओ। तो मैंने कहा देखो ये एवरेज है, 10 कपल मिलकर के 21 बच्चे पैदा करें तो एक कपल 2.1 हो गया, तो एवरेज की बात है, पहली बात तो ये। दूसरा डाउट उसके मन में ये आया कि अगर दो लोग मिलकर के 2.1 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन तो बढ़नी चाहिए ना धीरे धीरे, तो ऐसा क्यों है सर?
तो आप समझिए कि कुछ ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, दोज हु आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन, तो वो भी तो होंगे। तो इस कारण से ऑन एन एवरेज अगर एक कपल 2.1 चिल्ड्रन बियर करे, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि पॉपुलेशन एग्जैक्टली वही रहती है। इस जनरेशन में जितने लोग हैं अगले जनरेशन में वही होंगे, और ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है ये मोर और लेस ये चेंज नहीं होता है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन वो ज़्यादा रहता है, मोर और लेस ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर जाएगा अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 कर लिया जाए तो। और यही कारण है कि इंडिया ने अपनी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 वाली, उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट का टारगेट सेट किया है अपने लिए। इंडिया हैज सेट दिस टारगेट कि वी विल अटेन अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 बाय 2025। अभी इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट देखी जाए तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 2.3, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर 2.1 कर ले तो हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। उसके अलावा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए थे, उनको भी जरा देख लेते हैं। ये टोटल फर्टिलिटी रेट पर ध्यान रखना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये इंपॉर्टेंट टारगेट है कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक ले आए। उसके अलावा इन्होंने कहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ शुड बी इंक्रीज टू 2.5% ऑफ द GDP बाय 2025। हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज समवेयर क्लोज टू 67.5 ईयर्स, दैट शुड बी इंक्रीज टू 70। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका सरल मतलब है कि हमारे देश में एक इंसान ऑन एन एवरेज कितने साल जीता है, तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67.5%, दैट शुड बी इंक्रीज टू 70% दिस अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में यह भी कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ शुड बी इंक्रीज टू 8% ऑफ देयर ओवरऑल GDP बिकॉज ओवरऑल बजट, बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो चूंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा खर्च करना चाहिए अपने हेल्थ के ऊपर, तो इस कारण से स्टेट्स को अपने 8 बजट का टोटल 8% खर्च करना चाहिए ऑन देयर हेल्थ मैटर्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर के, जिसको आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक के बेसिस पे आपसे मेंस में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डेमोग्राफिक चैलेंजेस चाइना इज फेसिंग ड्यू टू इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी एंड हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक ऑफ चाइना। और इसके बेसिस पे इस तरह का प्रीलिम्स सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इसको आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट वर्ल्ड नो टोबैको डे एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली हेल्थ। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है, यानी कि कल मनाया गया हमारे पूरे देश में। और कल 2021 वाला जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था, इसका थीम था कमिट टू क्विट। हर साल इसको मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि टोबैको कंजम्पशन से हमारे हेल्थ पे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ताकि लोगों को टोबैको से दूर रखा जाए। टोबैको कंजम्पशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ डाटा यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ये डाटा रटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेंस में आप आंसर लिख रहे हैं और खाली ये लिख के आ जाएं कि टोबैको से हेल्थ को नुकसान होता है, लोगों की डेथ होती है, बिना सब्सटैंसिव डाटा कोट किए हुए, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मोटे मोटे डाटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टोबैको ऑन पब्लिक हेल्थ। तो हर साल लगभग 13 लाख लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। ऑन एन एवरेज हर दिन लगभग 3,500 लोगों की डेथ होती है। तो कोरोना वायरस में जितनी डेथ हो रही है हाल फिलहाल में पीक में, इतनी तो डेथ टोबैको के कारण हर दिन होती है, हर वक्त होती है, हर साल और हर दिन 3,500 लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशन। अगर इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की जाए तो WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज एंड डेथ एट्रिब्यूटेबल टू टोबैको यूज इन इंडिया। इसके हिसाब से हर साल हमारे देश को लगभग 1,77,000 करोड़ का नुकसान होता है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 1% ऑफ द GDP। यहाँ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर GDP को नुकसान कैसे हो रहा है, आखिर टोबैको बन रहा है तो GDP में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, नुकसान कैसे हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं टोबैको कंजम्पशन से हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, देर आर एब्सेंटीज एट वर्क प्लेस। तो अगर इस सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि कितने लोग इस कारण से बीमार पड़ रहे हैं, इस कारण से उनका इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको समझ आएगा कि ओवरऑल टोबैको से जितना फ़ायदा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान है, ओवरऑल हमारे GDP को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अक्सर यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि फिर सरकार इसको पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देती।
तो इसका दो आर्ग्यूमेंट है, एक तो बेसिक बजटरी आर्ग्यूमेंट है कि सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट टैक्स का जरिया है, ये तो सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। दूसरा एक आप समझिए फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि सरकार को हमने चुन के भेजा है, ये फिलोसफी आप एसे में जरूर लिखेंगे कि सरकार पूरी तरह से टोबैको को बैन क्यों नहीं कर देती, या कई स्टेट्स में जो लीकर को बैन कर रखा है उसमें क्या फिलोसफिकल चैलेंजेज हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई सरकार को चुन के हमने भेजा है, ठीक है, बेसिक काम करने के लिए। अब वो सरकार हमें अगर बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो दैट विल बी सम सॉर्ट ऑफ पैरेंटल गवर्नमेंट, और पैरेंटल गवर्नमेंट इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। किसी को शराब पीना है या नहीं पीना है, इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप, सर लोगों को शराब पीना है या नहीं पीना है वो लोगों को खुद फैसला करना है, सरकार उनको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती। तो दो कारण है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आखिर इतने प्रॉब्लम्स हैं टोबैको से, स्मोकिंग से, तो इसको बैन कर दीजिए। बैन नहीं करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो हैं ही, बजटरी एस्पेक्ट तो हैं ही, सरकारों की कमाई का जरिया है। दूसरा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, इफ़ यू आर ए ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री यू कैन नॉट बैन सच थिंग्स दैट आर मैटर ऑफ पब्लिक चॉइस। अगर सरकार को हमने चुन के भेजा है ना, सो हाउ कैन दे एक्ट लाइक ए पेरेंट। पेरेंट बताते हैं बच्चों को कि ये खाना है ये नहीं खाना है, अगर हमने चुन के भेजा मतलब वी आर मोर सेंसिबल देन देम, सो इट्स आर चॉइस, द गवर्नमेंट कैन नॉट टेल अस, इट कैन ओनली हिंट अस लिटिल बिट कि सर देखो ये अच्छी बात नहीं है। और यही कारण है कि सरकार इस तरह के आप देखो वार्निंग सिग्नल्स साइंस दिलवाती है, बट इट शुड नॉट फिलोसॉफिकली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी चीज़ को बैन कर देना अनलेस इट डज नॉट हैम्पर एनीबॉडी एल्स, किसी और को नुकसान ना करे तब तक उसको पूरी तरह से बैन कर देना फिलोसॉफिकली ये डेमोक्रेसी के साथ कंसिस्टेंट आइडिया नहीं है। तो अब जरा देखते हैं कि क्या स्टेप लिए गए हैं भारत के अंदर, भारत सरकार द्वारा स्मोकिंग को कम करने के लिए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो अभी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2025 तक टोबैको कंजम्पशन को 30% तक डिक्रीज कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक कानून लाया गया था कोटपा एक्ट, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट ऑफ 2003, इसके सेक्शन 4 में लिखा गया है कि एनी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप स्मोक नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा पब्लिक प्लेस है जहाँ पे मान लीजिए कोई होटल है जहाँ पे 30 से ज़्यादा कमरे हैं, या कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे 30 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है, और कोई पब्लिक प्लेस है ऐसे एयरपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे अगर स्मोकिंग अलाउ की जा सकती है, बट ओनली इन अ सेक्लूडेड एरिया, इस तरह का स्मोकिंग जोन बना करके ही स्मोकिंग अलाउ की जा सकती है। और उसके अलावा इसी कोटपा एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा है कि हर स्मोकिंग प्रोडक्ट पे, हर टोबैको प्रोडक्ट पे साफ साफ हेल्थ वार्निंग देनी है कि स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स। तो ये जो प्रोविजन है, वार्निंग है, ये अपने शौक से नहीं देते ये सिगरेट वाले बेचारे, इनको दे आर बाउंड टू डू इट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सो दिस इज अ स्टैचूटरी वार्निंग। इसीलिए आप देखते होंगे ना वैधानिक चेतावनी, स्टैचूटरी वार्निंग, स्टैचूटरी मतलब क्या होता है कानून, स्टैचूट मतलब होता है कानून, तो ये कानूनी वार्निंग है और इस कारण से इनको देना मैंडेटरी है। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 में यह एक्ट लाया गया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन कर दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या है वो भी जरा समझ लेते हैं। देखिए इस तरह का बैटरी से चलने वाला आप समझिए सिगरेट है, इस बैटरी से चलने वाले सिगरेट में होता क्या है कि अंदर निकोटीन भर दिया जाता है और ये फिर सिगरेट जो है उनको धीरे धीरे बर्न करके वेपर निकालता रहता है, और वेपर निकालता है जिसको लोग स्मोक करते हैं, इसमें कई तरह के फ्लेवर भी लोग लगा देते हैं। 2019 में सरकार ने इसको बैन कर दिया, उसके पहले ये अलाउड था क्योंकि माना जाता था कि इनको ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स या ई सिगरेट्स हैं इससे लोगों की लत कम होती है, आदत छूटती है, ऐसा माना जाता था कि जो मान लो चेन स्मोकर है उसको आदत छुड़ानी है तो पहले धीरे से उसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट थोड़ा कम हार्मफुल होता है तो पहले कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पिएगा फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़ेगा। लेकिन रिसर्च जब प्रॉपर डाटा निकाला गया तो उल्टा पता चला कि होता उल्टा है, जो बच्चे हैं जो स्मोक नहीं भी करते हैं वो शौक शौक में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट देखते हैं तो बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया पहले इसको पिया जाए, इससे तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, सरकार भी कह रही है इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं फिर उनको लगता है कि ना इसमें वो मज़ा नहीं आया तो फिर चलो थोड़ा और तूफानी करते हैं, अब मेन ओरिजिनल सिगरेट पीते हैं। तो उस चक्कर में जो एक्सपेक्टेशन था इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से उसका उल्टा हो रहा था और यही कारण है कि 2019 में इसको बैन कर दिया गया। एज ए सेड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बहुत सारे नुकसान हैं, रीजन्स वाई इट वॉज बैंड इन 2019, इट इज़ हाईली एडिक्टिव,
सोचा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से धीरे धीरे जो मेन सिगरेट है उसका एडिक्शन छुड़वाया जाएगा, लेकिन जो कम उम्र के एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए एडिक्शन बनता जा रहा था। इसके भी हेल्थ हजार्ड है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पूरी तरह से हेल्दी हैं, इसके भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इशूज हो सकते हैं। ऑफकोर्स ये कन्वेंशनल स्मोकिंग से कम खतरनाक है, लेकिन माना जा रहा था कि ये कन्वेंशनल स्मोकिंग को छोड़ने में काम आएगा, लेकिन जब प्रॉपर स्टडी की गई ICMR द्वारा तो पता चला कि ये जो कन्वेंशनल स्मोकिंग है इसके लिए और ज़्यादा यंगस्टर्स को ये आप अट्रैक्ट करा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यंगस्टर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्मोकिंग एंड दैट टू ऑफ कन्वेंशनल स्मोकिंग, और इस कारण से इस पे बैन लगा दिया गया 2019 में। उसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, इफ सी टेक्स दिस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट देन दैट ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन हर सेल्फ एज वेल एज हर फीटस। The next article is taken from economy segment. It is about core sector that has grown at 56.7%. This topic is important from our syllabus paper 4, Indian economy point of view. So, देखिए कोर सेक्टर तो मुझे लगता है कम से कम 4-5 बार मैं पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा चुका हूँ पिछले 2 सालों में, लेकिन कभी कभार बीच बीच में इसको ले लेता हूँ वापस से ताकि आपका रिविजन होता रहे। तो एक बार फिर से देखते हैं कोर सेक्टर। देखिए हमारे देश के 8 ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको कोर सेक्टर कहा जाता है। कोर इसलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, और वो कोर सेक्टर है रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इनमें भी उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे उनको अलग अलग वेटेज दिया गया। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है रिफाइनरी, इसलिए उसका वेटेज है 28%। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी जिसका वेटेज है 19%। सबसे कम कोर सेक्टर में सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का 2.63%। तो ये सब परसेंटेज याद रखना, एक तो याद रखना कि कोर सेक्टर में कौन कौन से इंडस्ट्री हैं, उसके अलावा उनका कितना वेटेज है ये भी याद रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इनको कोर सेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर मतलब अगर ये इन सेक्टर्स में स्लो डाउन आएगा तो पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, और इन सेक्टर में अगर ग्रोथ है तो पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर रिफाइनरी में स्लो डाउन आएगा तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन कम होगी, पेट्रोल डीजल की प्रोडक्शन कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के दाम बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इन सेक्टर्स में अगर कमी आएगी या स्लो डाउन आएगा तो पूरे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कोर सेक्टर, बिकॉज दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर स्टील प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सीमेंट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप समझिए रोड ज़्यादा बनेंगे, रेलवे ज़्यादा बनेंगे, ट्रैक्टर ज़्यादा बनेंगे, जिसका पूरी इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कोर सेक्टर, दे मस्ट बी टेकन केयर ऑफ इफ ओवरऑल इकोनॉमी हैज़ टू बी सपोर्टेड। अब कोर सेक्टर के बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए ये तो हो गए 8 कोर सेक्टर, लेकिन ओवरऑल जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर टोटल 407 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, टोटल 407 इस तरह के इंडस्ट्रीज हैं। इन 8 के अलावा भी और 399 ऐसे आइटम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, और उनमें कितना ग्रोथ हुआ या उनमें कितना डिक्लाइन हुआ उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक इंडेक्स पब्लिश करते हैं जिसका नाम है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ध्यान से देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारे देश के अंदर जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो सबको ले लिया जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर सेक्टर भी है, नॉन कोर भी है। कोर में 8 इंडस्ट्री आती हैं, लेकिन 8ों का वेटेज मिलाकर के 40.27% है इन IIP। बाकी जो 399 आइटम्स हैं उनका सबका वेटेज मिलाकर के इट इज समवेयर क्लोज टू 59.63%। तो इसीलिए 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 का अकेले वेटेज है 40% के आसपास, जबकि बाकी 400 आइटम्स का वेटेज है लगभग 60% के आसपास। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये हमारे देश में ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ आया या डिक्लाइन आया वो रजिस्टर करता है, वो कैलकुलेट करता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई NSO ऑन मंथली बेसिस। इसका बेस ईयर है 2011-12। IIP के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 407 आइटम्स होते हैं, इसमें माइनिंग एक आइटम होता है उसका वेटेज है 14%, मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर टोटल 405 आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टोटल एल्युमिनियम, हर 405 तरह के मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं, उनका टोटल मिलाकर के वेटेज है 77.633। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि PT में से सीधे सीधे सवाल आएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी एक अगला आइटम है जिसका वेटेज है 7.99। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज है, सबसे ज़्यादा आइटम्स भी मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में है, फिर माइनिंग का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज है, फिर माइनिंग का वेटेज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है इन IIP। और IIP के अंदर वेटेज ऑफ कोर सेक्टर इज 40.27%। तो अगर कोर नॉन कोर में डिवीजन किया जाए IIP का तो फिर 40.27 एंड 59.63, और अगर उनके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी में डिवीजन किया जाए तो फिर ये 3 डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं।
तो करंट न्यूज ये कहता है कि हमारे देश के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके अंदर ग्रोथ अप्रैल महीने में, अप्रैल 2021 में इन 8 सेक्टर के अंदर ग्रोथ 56% तक देखा गया है। तो मतलब पिछले साल जो भी ये प्रोडक्शन हुए थे इन 8 सेक्टर्स में उससे लगभग 56% ज़्यादा इस साल प्रोड्यूस हुआ है इन 8 सेक्टर में। सुन के लगा कि हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। पिछले साल आपको याद होगा अप्रैल में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन होने के कारण हमारे देश में हमारा जो ये कोर सेक्टर वो 38% तक डिक्लाइन कर गया था, -38% तक आ गया था। इस साल हमने नॉर्मल ग्रोथ ही रजिस्टर किया है, लेकिन चूंकि इसके तुलना में अप्रैल 2020 के तुलना में अप्रैल 2021 का ग्रोथ रेट रजिस्टर कैलकुलेट किया जाता है, और इसी कारण से ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 56% दिख रहा है। तो दिस हाई इंक्रीज इन ग्रोथ रेट इज बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, एंड लास्ट ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ कोर सेक्टर वॉज -38% बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। बेस इफेक्ट भी मैंने कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा रखा है, आई होप आपको याद आ रहा होगा। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को याद ना आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं कल फिर से एक बार बेस इफेक्ट डिस्कस कर लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पिछले हाल फिलहाल में एक महीने में ही एक दो बार डिस्कस किया है बेस इफेक्ट। तो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दिस कि पिछले साल अप्रैल 2020 में जिसके बेसिस पे इस साल का ग्रोथ रेट निकाला जा रहा है, उन पिछले साल का बेस ही काफ़ी छोटा हो गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और इसी कारण से इसके तुलना में ये निकाला गया इस साल का ओवरऑल IIP, एंड दैट अपीयर्स टू बी वेरी हाई, 56.1%। सो इट्स नथिंग लाइक आवर IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन कोर सेक्टर हैज रजिस्टर्ड अ ड्रामेटिक ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि कोर सेक्टर ने ड्रामेटिकली राइज कर लिया है, कोर सेक्टर हैज रजिस्टर्ड अ जनरल ग्रोथ ओनली, बट इट्स अपीयरिंग वेरी हाई बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। इन आर सेगमेंट मोस्ट पावरफुल फिल्म्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग UPSC टुडे वी विल कवर टॉपिक नंबर 246 टू 250। टॉपिक नंबर 246 इज अबाउट अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट वॉज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दैट वॉज की टू एक्सपेंडिंग एंड इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी, एंड इट्स मेंबर आर द सेंट्रल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विद मोर देन 80 इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडिया इन दिस अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Topic number 247 is about Data Maturity Assessment Framework. It was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. It is a framework to evaluate the data ecosystem of cities, and this will support cities in the creation of culture of data under Data Smart City. सरल शब्दों में कहें तो डाटा निकाला जाएगा शहरों का, उनके ट्रांसपोर्टेशन का, उनके ड्रेनेज फैसिलिटी का, और उसके बेसिस पे एक बेसिक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जाएगी अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। यही काम है डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 247। टॉपिक नंबर 248 इज अबाउट पूसा डिकम्पोजर। इट इज अ फंजाई बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन। तो पूसा डिकम्पोजर को समझने के लिए याद करो स्टबल बर्निंग जो मैंने लास्ट ईयर दो तीन बार कराया था। ये फार्मर जो हैं वो जो खेतों में कटाई के बाद जो पार्ट रह जाता है प्लांट का उसको जला देते हैं, स्टबल बर्निंग से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो उसको टैकल करने के लिए पूसा डिकम्पोजर लाया गया है। इसमें एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसमें कुछ फंगस होते हैं, उनको डाल दिया जाए स्टबल पे, तो स्टबल धीरे धीरे अपने आप कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। बट इसमें दिक्कत क्या है कि 20 से 25 दिन का समय लगता है, तो फार्मर्स को 20 से 25 दिन तक अपना खेत खाली छोड़ना होगा। दैट इज अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पूसा डिकम्पोजर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 248। टॉपिक नंबर 249 इज अबाउट पायलट वेल ग्लोबीसेफाला। तो पायलट वेल ये इस तरह के वेल होते हैं जो अपने ग्रुप में बाकी सारे ग्रुप को लीड करते हैं। तो इस तरह के पायलट, इस तरह के वेल टीम को या ग्रुपिंग को कहा जाता है पायलट वेल, जिसमें एक मेन वेल होगा जो बाकी सारे वेल्स की ग्रुप को, ये फीमेल वेल्स या फिर जो यंग वेल्स होते हैं उनके ग्रुप को लीड करता है। और ये जो लीड करने वाला पायलट होता है वो ग्लोबी सेफाला होता है। सेफाला मतलब होता है हेड और ग्लोबी मतलब होता है राउंड, तो इसका हेड राउंड होता है। तो ग्लोबी सेफाला पायलट वेल। अब जरा समझिए, पायलट वेल्स आर नेम्ड सो बिकॉज इट वॉज बिलीव दैट वन ईच ग्रुप हैड नेविगेटेड बाई ए पायलट और ए लीडर। देयर लैटिन नेम ग्लोबी सेफाला मीन्स राउंड हेड, राउंड हेड, विच इज़ वन ऑफ द मेन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द पायलट स्पीसीज। तो उन सब वेल्स के अंदर एक मेन स्पीसीज होता था, लीडर होता था या पायलट होता था जो राउंड हेडेड होता था। अदरवाइज जो बाकी सब होते हैं वो फीमेल्स या जुवेनाइल्स, उनका इतना राउंड हेड नहीं होता। उसमें भी दो तरह के पायलट वेल्स होते थे, शॉर्ट फिंड पायलट वेल, और ये शॉर्ट फिंड पायलट वेल जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलते हैं, वार्म एरिया में मिलते हैं। दूसरे होते हैं लॉन्ग फिंड पायलट वेल्स,
ये आपको टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं। ये सब सवाल आपको देख करके लगता होगा अरे ऐसा थोड़ी आएगा, लेकिन ये सब यूपीएससी में खूब आते हैं, इन्वायरमेंट के सवाल खूब आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक नंबर 250 इज अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इट हैज पेंटेड ए ग्रीन पिक्चर फॉर इंडिया पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लूमिंग वाटर क्राइसिस। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक रिपोर्ट था रिस्क फिल्टर एनालिसिस। इट हैज सेड दैट 100 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड विल फेस एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर बाई 2050। इसमें से दो सिटी इंडिया के भी रखे गए आउट ऑफ 100। एक है जयपुर जो 45th नंबर पर रखा गया और इंदौर 75th नंबर पर रखा गया इन दिस रिस्क फिल्टर एनालिसिस। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 250। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 241 to 245 दैट वी आर गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी सेंडिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी जो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती है दैट विल बी ऑप्शन डी वेजिटेबल ऑयल्स। एंड रिसेंटली नासा सेंट 128 बेबी स्क्विड्स एंड 5000 टार्डी ग्रेड्स फॉर द पर्पज इम्पैक्ट स्टडिंग माइक्रोग्रेविटी स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन एस्ट्रोनॉट्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।